हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हम बात करेंगे खास पेशकश में तोशाम की, जहां पर खनन माफियाओं की वजह से आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल यहां पर खनन करने में जिस तरीके की अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उससे लोगों का जीना मुहाल है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसान की सेहत है तो सब कुछ, मगर खनन गांव में तो ग्रामीणों को साफ हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है। सेहत तो दूर की बात है, वो बीमारियों से बच जाए यही गनीमत है। दरअसल गांव के पहाड़ में नियमों को ताक पर रखकर खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अनेक परेशानियों के साथ साथ जिंदगी से हाथ धोने का खतरा भी बना हुआ है। मैं जो पत्थर आते हैं जी, हमारे घर पे गिर गया था, छात भी टूट गई, मेरा कजी लाग रही इस बात, मैं कर्जा में दबो हो गया है, घबराहट होने के दिल उठ जाए, अस्पताल में पंडा छूटा है। जिस टाइम यहाँ पत्थर गिरा आपके मकान की छत पे, उस टाइम आप यहीं थे? कोरोना महामारी की तीसरी लहर में भी खनन कार्य करने वाली HSIITC के कर्मचारी बिल्कुल भी सचेत नहीं। कंपनी के कर्मचारी ना तो मास्क प्रयोग कर रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का। यहाँ तक कि कोरोना महामारी में भी यहाँ खनन कार्य जारी था। ग्रामीणों की माने तो खनन करने वाली कंपनी के द्वारा ज्यादा गहरा होल करके अधिक बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग बहुत तेज की जाती है, जिससे उनके मकानों में दरार आ गई है। बल्कि ब्लास्टिंग के दौरान काफी दफा तो पत्थर उनके घरों में आकर गिरते हैं, जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की शिकायत है कि खनन से उड़ने वाली धूल मिट्टी से प्रदूषण इतना अधिक हो जाता है कि उनको अस्थमा, दमा, टीबी जैसी अनेक तरह की बीमारियां हो गई है। गांव खनन का पहाड़ सरकार को राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए देता रहा है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को आज तक सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि खनन करने वाली कंपनी दिन रात खनन कार्य कर रही है, जिससे दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात के समय खनन के कारण इतनी तेज आवाज आती है कि सारी रात नींद नहीं आती और रात भर बैठकर गुजारनी पड़ती है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि खनन के चलते ओवरलोडिंग चलने वाले वाहनों के कारण हर समय सड़क हादसे का भी डर बना रहता है, जिसमें पहले भी अनेक ग्रामीण अपनी जान गंवा बैठे हैं। एक मकान है जी, रात को ये दिन में ब्लास्टिंग करते हैं, पूरा मकान ऐसे हिल जाता है, मेरा चौका टूट चुका है जी, और ये धूल मिट्टी से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे तकलीफ है जी, ये रात ने बड़े बड़े सोन को दिया, हम बिल्कुल नजदीक। इस संबंध में गांव खनन के सरपंच ने बताया कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी उपायुक्त भिवानी और SDM तोशाम आदि को अनेक बार इन समस्याओं के बारे में लिख कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हमने इसके बारे में DC साहब को, SDM साहब को, इनको बार बार लिख के दिया है, और इनको नहीं ऊपर तक लिख के दिया कि रात के समय तो बिल्कुल पहाड़ बंद होना चाहिए, क्योंकि इसका इतना शोर हो जाता है कि आदमी सो ही नहीं सकता, और बच्चों में बहरापन, पढ़ाई नहीं होती, और रात को तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हो जाता है जी। और हमने अधिकारियों को बार बार चक्कर लगाए, लेकिन कोई किसी तरह सुनाई नहीं कर रहा। इस करके हम तो यही चाहते हैं कि बिल्कुल ना खनन का जो पहाड़ है ना, रात के समय तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और दूसरा, पहाड़ के साथ साथ ये जो पहाड़ वाले हैं ना, इनका नियम था कि हम 500 mm का पत्थर देंगे, लेकिन ये 5000 mm का पत्थर दे रहे हैं, जिसके कारण क्रेश रोड पर प्रतिदिन हर घंटे हर मिनट ब्लास्टिंग होती रहती है। यदि ये पत्थर बढ़िया दे तो ब्लास्टिंग भी नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है कि गांव में कोई घटना हुई। वही जब खनन पहाड़ में खनन करने वाली कंपनी के मैनेजर रविंद्र जाखड़ से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि प्रदूषण के लिए उन्होंने गांव में मेन रोड पर एक पानी का टैंकर छिड़काव के लिए व्यवस्था कर रखी है, और ब्लास्टिंग भी सिस्टम से होती है। पोल्यूशन के लिए तो हमने गांव में एक तो पानी का टैंकर छिड़काव के लिए मेन रोड पे, जो अपने तो शाम से हिसार रोड के ऊपर हमने एक पानी का टैंकर व्यवस्था कर रखी है, और माइनिंग के अंदर प्रॉपर पानी का वो चलता ही रहता है,
और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से होती है। जो भी ब्लास्टिंग होती है कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं है। हमारे पास रिपोर्टें हैं, हम हर 6 महीने में कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करते हैं MOE में, और उसके बाद जो हम ब्लास्टिंग करते हैं उसके लिए भी हमने यहाँ के ना मेजरमेंट के लिए क्या हो रहा है उसके लिए भी हमने मशीन लगा रखी है जिसकी रोज रिपोर्ट निकलती है। पूरे मामले में एक सवाल यही है कि प्रशासन इस मसले पर आंखें क्यों मूंदे बैठा है। ग्रामीण बार बार इसकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्यों लोगों की सेहत और उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसकी सुध कौन लेगा? हरियाणा न्यूज के लिए तोशांत से युद्धवीर की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, खुले में यहां पर नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है जिसमें कई इल्लीगल गतिविधियां हैं। जो यहां के ग्रामीण हैं वो इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है कि प्रशासन मौन बैठा है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? जी बिल्कुल नंदनी, जिस प्रकार से जो ग्रामीण बता रहे हैं वाकई एक चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो ग्रामीण बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तस्वीरों में जो धूल का गुब्बार देखा जा सकता है तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों की जिंदगी नरक से बदतर वहां हो रही होगी। कहीं ना कहीं हमारी टीम जहां जब वहां पहुंची, जब टीम ने मुआयना करा तो तमाम जो खामियां हैं वहां देखी गई। आप बात करें जो टैंकर की, प्रशासन के द्वारा बात की जा रही है कि टैंकर की व्यवस्था की गई है, छिड़काव की पानी की व्यवस्था की, ऐसी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था वहां पूरे इलाके में नहीं दिखी। कहीं ना कहीं इसके अलावा मैं बात करूं जो रात को माइनिंग होती है, वाकई में बहुत तेज धमाके वहां होते हैं, पूरे धमाकों से घरों की दीवारें हिलती हैं और उनके घरों में दरारें भी आ गई, छतों में दरारें आ गई। किचों के जो लकड़ियों लगा रखी हैं, जो कड़ियां जिनको बोलते हैं अपने आम भाषा में, वो तक टूट गई हैं छतों की। कहीं ना कहीं जो डर के साए में है वो ग्रामीण वहां के हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इसको सुध लेनी पड़ेगी। और ये आमतौर पर जो बीमारियां हैं जो धूल से जो उत्पन्न होती हैं, दमा, एलर्जी, खांसी, इस तरह की बीमारियां वाकई में उस इलाके में बहुत ज्यादा है। और जैसे कि ग्रामीण बता रहे हैं कोई बुजुर्ग गांव में नहीं बचा, तो इसे साफ जाहिर होता है कि ये जो ब्लास्टिंग होती है, जो नियमों को ताक पे रखा जाता है, जो क्रेशर माइनिंग के द्वारा तमाम जो खानक माइनिंग है उसको एक अलग 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 किस्म की जो है ब्लास्टिंग वहां की जाती है, कहीं ड्रिल से ज्यादा गहरा सुराख करके उसमें एक्स्ट्रा बारूद भरा जाता है जिसे मतलब सीधे तौर पर भारी पत्थर भी जल्दी टूटे, तो वो जल्दबाजी के काम करने के लिए नियम बनाए गए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है और ये इतने बड़े लेवल पर की जा रही है कि लोगों की जान पर बनाई है। अब हमारे साथ युद्धवीर जुड़ गए हैं। रवि आप भी जुड़े रहिए, युद्धवीर हमारे साथ तोशांत से जुड़े हैं। युद्धवीर, नियम खनन को लेकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आसपास वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका जीवन मुश्किल ना हो, उनके जीवन में मुश्किल ना हो, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि यहां खुलेआम जो है माइनिंग में नियमों की अनदेखी हो रही है लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है, अधिकारी चुप हैं और गांव वालों को जो परेशानियां हो रही हैं जरा उस बारे में भी बताएं। बिल्कुल मैम, जैसा कि यहां देखने में आया है ग्रामीणों की यदि माने तो यहां पर जो है उनका जीना मुहाल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में जो है कोई भी बुजुर्ग नहीं बचा है जिससे कि पगड़ी जो होती है वो हरियाणा की शान मानी जाती है, बट यहाँ पे जो है पगड़ी वाला कोई भी बुजुर्ग गांव में देखने को नहीं मिल रहा है। जो युवाओं का कहना है कि आगामी समय में उनके लिए भी यह जो खतरे की घंटी है कि जो धूल जिससे उठ रही है खनन पहाड़ में खनन के कारण, तो उस वजह से जो है यहाँ उनको दमा, टीबी जैसी अनेक बीमारियां होती जा रही हैं जिससे उनके जीवन से भी जो है खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। जी युद्धवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब मैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी रवि का रुख करूंगी। रवि, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइए मुझे कि रात के वक्त में खनन करना वैसे भी जो है मना है, लेकिन यहां पर रात के वक्त में जिस तरीके से ब्लास्टिंग होती है और जो गांव वाले बता रहे थे, हम सुन रहे थे कि रात को चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो गांव के लोग हों, इस ब्लास्टिंग से डरते हैं, लोगों के घर हिल जाते हैं, दरारें लोगों के घरों में आ गई हैं और इतनी सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, तो ये इस तरीके से खुलेआम नियमों का उल्लंघन जब किया जा रहा है और ग्रामीण अधिकारियों को शिकायत करते हैं तो अधिकारियों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिलता है वहां?
जी नंदनी, बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से माइनिंग हो रही है, माइनिंग का एक जो समय है वो सेट किया जाता है, ब्लास्टिंग का एक समय सेट किया जाता है कि 2 से 3 बजे, मान लीजिए 2 से 3 बजे हमने ब्लास्टिंग करनी, तो 2 से 3 बजे ही ब्लास्टिंग होगी, उससे ना पहले हो सकती ना उसके बाद हो सकती। कहीं ना कहीं उस दौरान जो सड़क पर चलने वाले वाहन है उनको रोक दिया जाता है दोनों तरफ, कि कहीं ना कहीं जो ब्लास्टिंग के सड़क के आसपास जहां ब्लास्टिंग होनी है, तो तमाम ऐसी सुविधाएं जो तमाम ऐसे जो नियम्स हैं उनका उनको फॉलो करना पड़ता है, जो 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 लोग खनन करते हैं, जो कंपनी खनन करती है उनको साफ तौर पे यही हिदायत दी जाती है कि अगर आपको ब्लास्टिंग करनी है, अगर आपको माइनिंग करनी है तो एक नियम के तहत की जाए। जिस प्रकार से रातों रात, दिन और रात जिस प्रकार से ग्रामीण आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, उस हिसाब से अगर माइनिंग की जाती है, अगर कोई पत्थर किसी गाड़ी से टकराता है या गाड़ी रोड से जाती है या किसी घर की तरफ पत्थर जाता है, कि उनसे जो ब्लास्टिंग के दौरान जो उड़ने वाले पत्थर हैं वो किसी तीर और जो गोली है उसकी उससे भी ज्यादा स्पीड से वहां पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जिस प्रकार से जो ग्रामीणों ने अधिकारियों को जो शिकायत किया हमारे साथ उस गांव के हमारे साथ सरपंच जुड़े हैं जिस गांव के लोग इस जो है माइनिंग से परेशान हैं और जहां नियमों की अनदेखी हो रही है। हमारे साथ सरपंच साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं गांव के लोग? देखिए माइनिंग में अनियमितताएं दिख रही हैं, क्या लगता है आपको अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते इनके ऊपर? ये ऐसा मैम, एक तो रात को पूरी रात बाढ़ चलाते हैं जी, और रात के समय जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो हम लोग हैं, न तो आराम कर सकते हैं, न बुड्ढे सो सकते हैं, न बच्चे पढ़ाई कर सकते नहीं, हैं। आप लोग जब अपनी परेशानियां लेके अधिकारियों के पास जाते हैं या शिकायतें करते हैं तो क्या रिस्पांस आपको मिलता है और क्या लगता है आप लोगों को कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों इन प्राइवेट कंपनियों को नियम की अनदेखी करने के लिए जो है नोटिस नहीं आता या किसी तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती? ये कार्रवाई नहीं करते अधिकारियों, क्या है इनसे गाड़ साड़ करके और वहीं मामला दबा देते हैं जी। जब हम शिकायत लेके जाते थे कहते करेंगे कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे घरों में दरारें आई हुई है, पत्थर से ब्लास्टिंग करते हैं, उस समय बहुत कंपन होता है जी जी, तो हर घर में अब दरारें आई हुई हैं, कोई भी मकान कभी गिर सकता है, 2-3 बार तो मकान गिरे भी हैं जी। और इसके अलावा जब कुछ पत्थर बाहर से जब ब्लास्टिंग करते हैं तो घरों में आते हैं, मेन रोड पे भी आते हैं, जब हम शिकायत करते हैं तो वही मामला दबा देते ही हैं जी। एक बार रमेश जी आप मुझे बताएंगे कि जो इस पहाड़ी से जहां पर ये माइनिंग हो रही है वहां से रिहायशी इलाका कितना दूर है, आप लोगों के घर कितने दूर होंगे? बिल्कुल ही नजदीक है मैम, बिल्कुल पहाड़ के अंदर ही हमारे मकान है और फिर भी ये पहाड़ों चला रहे हैं जी जी। यानी रिहायशी इलाके की अनदेखी करते हुए यहाँ पर माइनिंग बदस्तूर जारी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक समस्या गांव वालों की तरफ से ये भी पता चली है कि जो यहाँ से वाहन निकलते हैं, जो लोडिंग व्हीकल निकलते हैं, बड़े बड़े व्हीकल निकलते हैं, अपनी स्पीड में निकलते हैं, बे टाइम निकलते हैं, कुछ पता नहीं रहता, तो कई बार रोड एक्सीडेंट्स का भी खतरा बना रहता है आपके इलाके में? 24 घंटे खतरा रहता है, ओवरलोडिंग वाहन निकलते हैं, अधिकारियों को कह दिया, अधिकारी को ध्यान, आए दिन ओवरलोडिंग माल चलता है यहाँ पर, ओवरलोडिंग माल करते हैं और कोई किसी की परवाह नहीं है जी। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जरूर कोशिश करेंगे, ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर है और इस मसले का समाधान होना चाहिए, चाहे किसी की भी सांठगांठ, किसी भी अधिकारी की सांठगांठ जो है इन कंपनियों से हो, लेकिन यहाँ लोगों की सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रशासन की और शासन की होनी चाहिए। रवि लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, एक समस्या हो, दो समस्या हो तो बात अलग है, यहाँ तो माइनिंग की वजह से जो यहाँ का पूरा रिहायशी इलाका है वो कितना ज्यादा परेशान होगा इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ओवरलोडेड व्हीकल के जो है बे टाइम आने जाने की वजह से रोड एक्सीडेंट्स का खतरा, वहां पर इतना बड़ा जो है ब्लास्ट होता है, इतना ज्यादा तीव्रता वाला ब्लास्ट होता है कि वहां रिहायशी जो लोगों के घर हैं रिहायशी इलाकों में, उनके घरों में जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत ही स्पीड से पत्थर आते हैं, दमे जैसे रोगों से लोग यहां पर पीड़ित हैं, तो जो नियम की अनदेखी एक तरफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए रिहायशी इलाकों में पहाड़ी पर माइनिंग होना वो भी गलत है।
जी बिल्कुल नंदनी, जिस प्रकार से जो ग्रामीण बता रहे हैं उस हिसाब से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 500-500 मीटर दूर तक जो पत्थर है ब्लास्टिंग के दौरान, 500 मीटर आधा किलोमीटर तक जो है पत्थर उड़ के लोगों के घरों तक जाते हैं। हालांकि जो ये घर बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल सटे हुए बताए जा रहे हैं, पहाड़ के निचले सिरे पे जो है रिहायशी इलाका है, तो आप जाहिर सी बात है अंदाजा लगा सकते हैं जब ब्लास्टिंग होती है तो वो पत्थर कहां से कहां जाएंगे। अगर किसी के घर में कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, कोई आदमी काम कर रहा है, कोई औरत काम कर रही है, या अपने पशुओं को जो है मवेशियों को पानी पिलाने जा रहा है, तो तमाम तरह की चीजें हैं, उनको सबको खतरा है। इसके अलावा मैं बात करूं, जब हमारी टीम रात को इस तरह की जो वो वीडियोज लेने के लिए या फिर इस तरह की जो घटनाएं थी उनको पता करने के लिए क्या, तो साफ तौर पर इन्होंने वहां जो सुरक्षा के नाम पर जो है गुंडों की भर्ती की जा रही है, गुंडों की जो भर्ती है वो कर रखी है। कहीं ना कहीं अंदर जो माइनिंग की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं उनकी द्वारा नहीं लेनी जा रही, सीधे तौर पर कहा जाए इलीगल गतिविधियां हो रही हैं, इलीगल गतिविधियां हो रही हैं जिनको छुपाने के लिए प्रशासनिक संरक्षण भी इनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के सरपंच जुड़े तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अधिकारियों के साथ साठगांठ की जाती है। रवि आप बने रहिए हमारे साथ, खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका मूलचंद जी। लेकिन जो ये खबर है तो शाम से सर बहुत ज्यादा निराशाजनक है, यहाँ पहाड़ी में माइनिंग के दौरान नियम को ताक पर रखकर प्राइवेट कंपनियां खनन करती हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण जो हैं उनकी जीवन जो है वो मुश्किल भरा हो गया है, शिकायतें कर रहे हैं, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे सर। मैं आपके चैनल के माध्यम एक ही बात कहूंगा, आरोप और प्रत्यारोप का खंड के महकमा हमेशा रहा है, ये महकमा कभी विवाद से दूर नहीं रहा। पर जितने भी जो किसान जिस ग्रामीण ने कहा है कि कोई कंपनी कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी हमने करी है। सर दरअसल ये जो आपने बात जिस तरीके से शुरू करी कि इस विभाग पर अक्सर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन सर जो समस्या है वो तो जेन्युइन है, जो यहाँ के लोग हैं उनकी जिंदगी तो मुश्किल में। मैंने आपको कहा ना जी, सर यहाँ इतने बड़े स्तर पर ब्लास्ट होते हैं, इतनी तीव्रता से पत्थर इनके ऊपर आते हैं, रिहायशी इलाकों में सर माइनिंग रात भी रात। बात तो सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए आप, जी बात सुनो। मैंने कहा जिसने भी ग्रामीण आचरण ने ग्रामीण के पंच सरपंच ने कोई हमको शिकायत की है, उसके माइनिंग के जो जो माइनिंग करता है, जो कंपनी माइनिंग करती है, चाहे कितना बड़ा ताकतवर आदमी हो या कोई प्रभावशाली हो, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है और ये रिपोर्ट है, उनके खिलाफ हम कोई भी हो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानून अपना काम करेगा, ये अपना काम करेंगे। पर जो लोगों का जीवन को खराब करे, जीवन को सर ये है। भी तो कहीं ना कहीं सच है कि प्राइवेट कंपनियां जो नियम बनाए जाते हैं खनन के लिए, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी लगातार करती हैं और इसी वजह से लोग जो है ज्यादा परेशान होते हैं, तो इनके अंदर कानून का कोई डर ही नहीं है क्योंकि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। सर हम पे कानून का, आपका बनाया हुआ कानून का जो है इन पे हम है, कानून के खिलाफ कानून जो इसका काम करेगा। आप शिकायत दीजिए, जो आपके चैनल के माध्यम से जो आपने मुझे बताई है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जी खानक की पहाड़ियों को लेकर ये मसला है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सहयोगी रवि आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, रवि आप अपना सवाल कर सकते हैं। मंत्री जी एक सीधा सा सवाल है, जिस प्रकार से ओवरलोडिंग वहां की जा रही है, ट्रकों में बड़े बड़े पत्थर भर के लेके जाए जा रहे हैं, बल्कि ट्रकों के ऊपर से जो है पत्थर चलते हुए नीचे भी गिरते हैं, इसके अलावा मैं बात करूं जो रोड है वो पूरी तरह से नीचे की तरफ दब गया, और मैं एक और बात बताऊंगा जो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, जिसके जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने साफ तौर पे सामने आने से मना किया था और आरोप लगाते हुए कहा था कि जिस प्रकार से जो ओवरलोडिंग की बात की जाए, कहीं ना कहीं 10 जो टायर की लिमिट होती है, जो 10 टायर का ट्रक होता है उसकी जो लिमिट होती है उसमें डॉक्यूमेंटल वो 12 टायर का दिखाया जाता है और उसमें ज्यादा ओवरलोड जो है उसमें डाला जाता है, ऐसी भी शिकायतें जो है ओवरलोडिंग की मिल रही है मंत्री जी। रवि जी हमने जितने ओवरलोडिंग के, ठीक है कि सारे काम में करियर सब कुछ ठीक हो गया, हमने जितने ओवरलोडिंग के जो ट्रक हैं ओवरलोडिंग के हैं, हमने हर डेली 90-1 करोड़ के रोज चालान हमने करे हैं, 1 करोड़ तक पहुंचे हैं। अगर कोई इस तरह से कोई है जो 12 टीरा पे 18 टन का माल लेके जाता है, जो आपने जानकारी दी है मेरे को,
इस तरह के जो भी ट्रक होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इसकी मैंने बार बार कहा कि इस तरह कोई हो तो हम जरूर जानकारी दें, हमारे डीसी ऑफिस में दें या अपना चंडीगढ़ अपने अमिताभ ढिल्लो है डायरेक्टर है, तो इनको क्या है कि आपने इनकी जानकारी अभी जो भी आपने कहा इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मूलचंद शर्मा जी, यानी मान के चले ये जो ग्रामीणों की समस्या है इस पर अब कार्रवाई होगी। जी रवि, और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलिए। मंत्री जी एक सवाल और है, जिस प्रकार से खनन के दौरान जो ग्रामीणों के घर टूटे हैं, दरारें आई हैं, क्या उनका मुआवजा जो है खनन जो खनन विभाग है उनके द्वारा भरा जाएगा? नहीं, मैं जांच कराऊंगा इस तरह की अपने कितने हैं माइनिंग डायरेक्टर ऑफिस में दें चंडीगढ़, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा या मेरे को एप्लीकेशन दें उनकी इंक्वायरी कराऊंगा, जो भी है उसकी मदद करेंगे। सर कितने दिन में मान के चले कि ग्रामीणों की समस्या का निदान हो जाएगा? ये दे दें मैं 15 दिन करा दूंगा, मोदी मनोहर की सरकार है और मूलचंद शर्मा पे जिम्मेदारी दायित्व है जी। ये सरकार नहीं है चोरों चक्कों की, ये मोदी और मनोहर की सरकार है, उसकी सरकार के नेतृत्व में कोई इस तरह का मिलेगा लिप्टों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मूलचंद शर्मा जी, और आश्वासन देने के लिए हरियाणा न्यूज पर मूलचंद शर्मा मंत्री जुड़े, जिन्होंने कहा कि वो इस समस्या के लिए आगे जो है बढ़ेंगे, कार्रवाई भी करेंगे और इस तरह की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होते हुए इन लोगों को सख्ती इनके ऊपर की जाएगी। और लेकिन रवि एक बात है कि मंत्री जी जब जुड़े और ये ओवरलोडिंग की जब आपने बात कही, देखिए ये समस्या बहुत ज्यादा आम तौर पर देखी जाती है ओवरलोडिंग वाहनों की समस्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्ती के लिए, कहीं ना कहीं वो नाकाफी हैं प्रदेश के अंदर, क्योंकि लगातार अभी भी ओवरलोडिंग वाहन बेखौफ होकर चलते हैं सड़कों पर हाईवेज पर। जी नहीं बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले तो होती थी ओवरलोडिंग, सिर्फ ओवरलोडिंग, अब होती है साथ साथ डॉक्यूमेंटल ओवरलोडिंग। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारी टीम जब मौके पर पहुंची और बातचीत करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पे कैमरे पे आने से तो इनकार किया, लेकिन उन्होंने अंदर की एक बात बताई, जिस प्रकार से जिस ट्रक के 10 टायर होते हैं, मान लीजिए 10 टायर का ट्रक है, 10 टायर ट्रक में 8 टन माल आता है तो उस टायर 10 टायर ट्रक को 12 टायर ऑन डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाता है और उसमें 18 टन माल डाल दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जो है आरोप जो है जो ओवरलोडिंग है इसके द्वारा ओवरलोडिंग पे भी लगते आए हैं। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से रोड की हालात देखी जाए, जो नए रोड बने हैं उन पर ओवरलोडिंग चलती है और तमाम तरह की चीजें हैं और सरकार और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं मिली भगत होने की जो है इसमें स्मेल आती है। और दूसरी बात मैं बताऊं, जहां मैं अभी आपको बता रहा था कि गुंडा जो एक प्रणाली है जो गुंडे भर रखे हैं, आमतौर पर लोगों को वहां घुसने तक नहीं दिया जाता और वो साफ तौर पे कहा जाता है उनके मोबाइल तक वहां छीन लिए जाते हैं, अगर वो किसी खनन की या किसी पहाड़ी की या जो इलीगल जो काम वहां हो रहा है उसकी तस्वीर अगर वो बनाते हैं तो उनका फोन भी छीन कर वहां रख लिया जाता है। तमाम तरह की ऐसी शिकायतें वहां से आ रही है नंदनी जी। बिल्कुल रवि, और बहुत ज्यादा गंभीर मसला है ये। हम उम्मीद है कि जब मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया है तो ऐसे खनन माफिया ही मैं बोलूंगी इन प्राइवेट कंपनी के तमाम कर्मचारी और अधिकारियों को जो कानून से डरते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो